हेलो डियर स्टूडेंट्स आर टुडेज टॉपिक इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ओके इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वी विल लर्न द यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज इसमें हम दिस दैट दीज और दोज का यूज सीखेंगे कि किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इसका यूज किया जाता है सो लुक एंड रीड द सेंटेंसेस आई सेट ऑन दिस बेंच एवरी डे आई फाउंड दिस स्टडी बी अर टूडे देर इज अ बर्ड इन दैट बश दैट बॉय इज माई कजन लुक एट दिस इंसेक्ट बिग आंट्स लिव इन दैट नेस्ट नाउ सी आई सेट ऑन दिस बेंच मैं बेंच पे बैठता हूँ हर दिन मैं बेंच पर बैठता हूँ कौन से बेंच में बैठता हूँ दिस बेंच इस बेंच पर बैठा बैठता हूँ सो दिस इज रेफरिंग टू द नाउ ओके आई फाउंड दिस टेडी बियर टूडे मुझे ये टेडी बियर आज मिला है सो हेयर दिस इज रेफर टू द टैडी बियर दिस इज़ टेलिंग मोर अबाउट टेडी बियर दिस हमें यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है टेडी बियर के बारे में कि उसे कौन सा टैडी बियर मिला है ये वाला टेडी बियर मिला है देर इज़ अ बर्ड इन दैट बश वहाँ पे बश में झाड़ियों में एक बर्ड है तो बर्ड कहाँ पे है बश में है कौन सी बश में दैट बश उस बश में दैट बॉय इज़ माई कज़न वो लड़का मेरा कज़न है दैट बॉय वो लड़का लुक एट दिस इंसेक्ट इंसेक्ट की तरफ देखो कौन से इंसेक्ट की तरफ इस इंसेक्ट की तरफ एट दिस इंसेक्ट बिग आंट्स लिव इन दैट नेस्ट जो बिग आंट्स होती हैं वो इस नेस्ट में रहती हैं ऑल राइट सो नाउ सी ऑल दीज वर्ड्स लाइक दिस दैट दिस दैट हियर आर रेफरिंग टू द नाउम्स ये हमें नाउम्स के बारे में बता रहे हैं कि किन की बात हो रही है सो दीज आर द डेमॉन्सट्रेटिव एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं दिस दैट दीज एंड दोज दिस वी यूज़ फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट वी यूज़ फ़ॉर द फार ऑब्जेक्ट्स दैट जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं हम उनके लिए यूज़ करते हैं और दिस का यूज़ जो हमारे नियर बाई होती हैं उनके लिए किया जाता है नाउ सेम वे दीज पपीज़ आर नाटी पपीज आर नाटी कौन से पपीज नौटी हैं दीज पपीज़ ये पपीज दीज इज़ द प्लूरल ऑफ दिस एंड दोज इज़ द प्लूरल ऑफ दैट दोज चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल वो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं पुट दीज टॉयज इन अ बास्केट इन टॉयज़ को बास्केट में डाल दो टमाटोज आर रोटन वो जो टमाटर हैं वो वो क्या हैं सड़े हुए हैं दोज टमाटोज आर रोटन विल यू हेल्प मी टू कैरी दीज बुक्स दोज हाउसेज आर बिग वो घर बड़े बड़े हैं नाउ सी ऑल दीज वर्ड्स दीज एंड दोज आर रेफरिंग टू द नाउंस ये क्या है हमें नाउंस के बारे में बता रहे हैं कि किन नाउम्स की बात हो रही है पपीज़ कौन से दीज पपीज़ ये वाले पपीज़ दोज चिल्ड्रन वो वाले बच्चे दीज टॉयज ये वाले टोयज दोज टमाटोज वो वाले टमाटोज सो so, दो डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव आर दोज इन इन डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव दिस दैट दिज दोज ये सब आ जाते हैं ओके दिस इज यूज टू पॉइंट टू समथिंग और सम वन नियर द स्पीकर दिस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए जो चीज हमारे पास में होती है मैंने आपको भी बताया था दैट इज यूज टू पॉइंट आउट समथिंग और सम वन फार फ्रॉम द स्पीकर जो स्पीकर मतलब बोलने वाले से दूर है दीज इज़ द प्लुरल ऑफ़ दिस दिज क्या है दिस का प्लूरल होता है दोज इज द प्लूरल ऑफ दैट और दोज क्या होता है दिस का प्लुरल होता है वेन दिस दैट दिज दोज आर यूज टू टेल्स विच नाउन इज बींग ट्ड अबाउट जब दिस दैट दीज दोज का यूज़ किया जाता है किसके लिए बताने के लिए कि कौन सा नाउन यूज़ किया कि, कहाँ किया गया है दे आर कॉल्ड डेमन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव तो उनको क्या कहते हैं डेमानस्ट्रेटिव एबजेक्टिवस hope you have understood demonstrative adjectives now do the worksheet yourself related to this chapter okay thank you